क्योंकि किकर दे बूटे नूं अंगूर ते नहीं ना लगदी, जौं बीज के गंदम ते नहीं ना उगदी। एक माँ होंदी सी ना, वो जड़ी चिट्टी दाड़ी वाले बजुर्गों नूं पुछो, वह जड़ी माँ कुंड कढ़दी होंदी सी जेठ कोलों वी ते ससुर कोलों वी। हजरत जी, वो जड़ी माँ खद्दर दी चादर सिर ते लैके तहज्जुद दी नमाज पढ़दी सी ते फजर तो पहले पहले वह माँ नाले लस्सी रिड़क लैंदी सी, नाले पुत्र नूं दुध पिला लैंदी सी, नाले सूरे यासीन जुबानी पढ़ लैंदी सी, पुत्र वड्डा होके बाबा फरीद बणदा हुंदा सी। कदे वह खद्दर की चादर वाली माँ ते कुंड वाली माँ वापस आ जाए ना, चलो गौसे पाक ते बाबा फरीद ते दाता साहब ते दूजे नहीं आने, को गुलाम फरीद ते आवे ही आवे, पर पहले वह माँ ते लियाओ, वो किरदार वाली माँ ते वो बाप ते किरदार वाला आवे। अगर तुसी भी चाहते हो तो हाडे घर च को अल्लाह दा वली जन्म लवे, तो हाडे घर च भी कोई आलमे दीन पैदा होवे, पहले अपने आप नूं दुरुस्त कर लो। हर वेले ख्याल करिया करो मेरा अल्लाह पिया वेखदा है, गुनाह करन तो पहले तैनूं ख्याल आ जाए मेरा रब पिया वेखदा है। अजान होवे तेरी मस्जिद वल दौड़ लग जावे, मेरा मालिक पिया बुलांदा है, मेरा अल्लाह पिया बुलांदा है। हर वेले बावजू रहा करो, हर वेले बावजू रहने की कोशिश करो, जो टॉयलेट जाओ, वाशरूम जाओ, वजू करके बाहर आओ, हर वेले पाकी की हालत च रहो, पकीजा ज़हन रखो, ख्याल पकीजा रखो। जिदे ख्याल आते हैं ख्वाब भी ओदे ही आते हैं। जे इंडिया की फिल्म वेख के सौवेगा तो ख्वाब डराने आने ने, जे दरूद पढ़ता सौवेगा तो ख्वाब कमली वाले आने। राती ख्याल सोने दे लैके सोया कर, कदे नबी दिया जुल्फां ते कदे नबी पाक दे चेहरे अनवर दा तसव्वुर करके सोया कर, हजूर ते दुरूद शरीफ पढ़ दे सोया करो। नौजवानो, नेक ओ नहीं हुंदा जिहड़ा मजमे च ते लोगां च ते महफिल च नेक होवे, नेक ओ हुंदा जिहड़ा तन्हाई च बैठा भी नेक होवे, कल्ला बैठा होवे उदों भी नेक होवे, उदों भी गुनाह ना करे। पाक ओ हुंदा जिहदी तन्हाई पाक होवे, अपनिया तनहाइया पाक करो, अपने अंदर रूहानियत ईमान दी पैदा करो। लै चलना बाबे दी दरबार उते कदे सदके जा, तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह, तो इस्लाह मुआशरा भी है ना, नाल नाल मैं वह भी करना, तो गौस पाक की ग्यारहवीं भी सुनानी है। तो असी तो अलहमदुलिल्लाह ग्यारहवीं खाने वाले भी थे, पकान वाले भी है ना। मौलवी साहब सन पिंड तकरीर की ग्यारहवीं शरीफ के खिलाफ बड़ी जबरदस्त दूसरी पार्टी के सन, घर में बीबी साहबा जी सन माशाला सुननी सन। मौलवी साहब ने तकरीर की, जरा ग्यारहवीं खावे तो पकावे सारे मुशरक बिदती, वह तकरीर करके भुख लगी, तो जो घर आए तो बीबी साहबा ने ग्यारहवीं का खत्म दवाया, तो कुकड़ पकाया। मौल साहब ने बेगम को आके आख्या अज की पकाया, उन्हें आख्या अज मैं हजूर वड्डे पीर की ग्यारहवीं दवाई है। पहले तो मौल साहब ने डांटिया झड़का मारिया, एक ग्यारहवीं मेरे बेड़े कितों आ गई, भुख ने तंग किया, तो आख्या चल ठीक है लिया। फिर बेगम साहब जो सालन डालन लगी तो कहते शोरा शोरा लिया, वो एक बोटी डोई ते चढ़ाई, बीबी साहबा बोटी कढ़न लगियां, तो मौल साहब कहते चल जी आप आँदी उन्हों तो आन दे। पर असी यो मां जेड़े अलहमदुलिल्लाह मर्जी नाल पकाने ते मर्जी नाल खिलाने। गिरामी कदर हजरात, हुण खुश हो गए हुण बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों, जड़े वेले समा ते बाप दा मिलाप होया, अल्लाह ने जेड़ा पुत्र दिता हसनी हुसैनी सैयद है, गौसे पाक दी पूजा नु बड़ियां बशारतां मिलियां। नबी पाक ख्वाब च आके फरमाया तेनों अल्लाह ने वो पुत्र दिता है जिदा कदम हर बली दे सिर ते आवेगा, हर बली दे कंधियां ते दा कदम आवेगा। फरमाया इहदी वजह ते अल्लाह दीन नु जिंदा कर देवेगा। नौजवानों, गौसे पाक अपनी अम्मी दी गोदी च पे पलदे ने, रमजान शरीफ दा महीना आया, 29 रमजान दा दिहाड़ा, रात नूं आसमान ते बादल छा गए, पता नहीं लगदा सवेरे तियां रोजा रखना है कि ईद करनी है, चन नजर नहीं आ रहा। किसे ने आखिया ओ सैयदा दे घर पता करो, उन्हां दे घर इक बच्चा पैदा होया, सुनिया सारा दिन मां दा दुध नहीं पींदा, ओ बच्चा रोजा रखदा है, जे बच्चे ने
ने दूध नहीं पीता फिर आज रोजा है ते जे बच्चे दूध पी लिया है फिर आज ईद है। तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत।